प्राइवेट मेडिकल स्कूल है उसको जो है पुलिस और स्थानीय ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट पर कॉपरेट किया गया और काफ़ी लंबे अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की गई थी कि ये जो स्टोर है यहाँ पे जो है इलीगली जो है कॉन्ट्राबैंड्स इसमें एंटीवायरस प्रोविजन से अल्कोहल होने वाले ड्रग्स और साथ में कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स जिनको कंट्रोल्ड वे में सेल करना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते हैं उस तरह की ड्रग जो है सेल की जा रही थी और इसी इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप करते हुए जो पुलिस टीम द्वारा जो है इनकी होमवर्क किया गया और ये भी पता चला कि इस शॉप के साथ ही स्टोर भी जो यहाँ के जो लाइसेंस होल्डर है उनके द्वारा इस एरिया में जहाँ से ड्रग्स का सप्लाई होता है तो जो कि जेन्युइन इलीगल वे से जो सेल किया जा सकता है स्टोर किया जा सकता है और जो इलीगली सेल किया जा रहा है और जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जिन ड्रग्स को सेल नहीं किया जा सकता ऐसे ड्रग्स भी वहाँ पर पाए गए और ये जो पूरी रेड और इंस्पेक्शन है ये कल करीब जो है 8 घंटे जो है उस एरिया में लगातार ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम द्वारा की पुलिस टीम में DSP कांगड़ा अंकित SHO कांगड़ा संजीव जी और उनके साथ SP ऑफिस की टीम्स इन्होंने इस कार्रवाई को वहाँ पे कंप्लीट किया और सीजर्स के दौरान जो NDPS के तहत ट्रेमाडोल एटिजोलम स्कोपेलोन साइकोजेन इस तरह के ड्रग्स में और कुछ ड्रग्स जो कि NDPS के प्रोविजन्स में तो नहीं आते लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के वायलेशन में वहाँ पे पाए गए तो कुल जो सीजर हुआ है इसमें 925 टैबलेट्स की नेट वेट अगर उनका देखा जाए तो 1.76 टैबलेट्स और 10 इंजेक्शन ट्रेमाडोल इसके 2 ml का पर इंजेक्शन जो है वहाँ पे सीज किया गया जो कि पुलिस केस का सीजर है NDPS एक्ट के सेक्शन 2261-85 NDPS एक्ट में इसको सीज किया गया और ये FIR जो है गगन पुलिस स्टेशन के दर्ज है इसके साथ ही जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसके तहत 693 टैबलेट्स जो हैं वो सीज किए उसको फर्दर ड्रग इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें जो भी वायलेशन पाए जाएंगे तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी इस पूरे ऑपरेशन में तरुण पठानिया जो कि लाइसेंस होल्डर है उनको अरेस्ट किया गया आज उनको फोटो पेश किया जाएगा फर्दर पुलिस रिमांड लिया जाएगा PP मेडिकोज मेडिकल स्टोर इस नाम से ये स्टोर जो गड्ढी में लंबे वर्ष से चल रहा है पुलिस इसमें फर्दर जो है जो इलीगली विदाउट स्टॉक और इलीगल तरीके से ये ड्रग्स स्टोर में किससे सप्लाई हुए हैं और क्या इनका सोर्स है उस पर हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ेगा तो मैं आपको माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक द्वारा ही हमसे शेयर की गई और मुझे उम्मीद है इसी तरह हम कांगड़ा की बुजुर्ग जनता का कॉपरेशन और सपोर्ट होता रहेगा और हम आगे भी इस तरह के और नेटवर्क वे में और एक पूरे ऑर्गेनाइज वे में इस तरह की जो गतिविधियाँ चलती है उसको आगे भी अच्छी तरह